वेलकम विवर्स टू माई चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन आज का जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग जावा है जैसे कि हम पिछले वीडियो में जावा की इंट्रोडक्शन ऑफ ने लिया उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के और जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या है उसके कौन से टूल्स हैं और आपने सैम्पल भी देखा एक कि जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग हम किस तरीके से करते हैं तो आज हम और फीचर्स के बारे में जानेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में तो आइए चलते हैं तो फ़ीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट तो इससे पहले मैं जावा स्क्रिप्ट के फ़ीचर्स को डिफ़ाइन करूं तो आप ये जान लें कि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन रिच इन 1995 तो जावा जो है एक्चुअली ब्रेंडन रिच ने 1995 में डेवलप किया था और इसका जो पहले नाम रखा गया था वो लाइव स्क्रिप्ट था और बाद में लाइव स्क्रिप्ट को बदल के जावास्क्रिप्ट रख दिया गया था और इसके लिए जो ब्राउज़र मेनली इस्तेमाल किया गया था जिस पे इसकी कोडिंग को एक्सेस किया जाता था वो नेटस्केप नेविगेटर था तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें मॉडिफिकेशंस आती गई वर्जनस इसमें बदलते गए तो और अब हर एक ब्राउज़र पे ये एक्सेसिबल है तो इसके जो फ़ीचर्स हैं जावा स्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी इट इज़ न मेनली यूज फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स विच आर शोन इन फिगर तो ये क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है इसके मेन मेनली यूज फॉर वैलिडेशन के लिए लगता है क्लाइंट साइड में हम जैसे आप फॉर्म्स बनाते हैं तो वहाँ पर आप फॉर्म्स की वैलिडेशन करते हैं तो इसके और भी फीचर्स हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में तो जावा सिक्रप्ट बेसिक्स में क्या क्या है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्या है कि जिसमें हम डाटा टाइप एंड ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर तो जो हमारा डाटा है उसका टाइप क्या है और उसका फंक्शन क्या है उस डाटा स्ट्रक्चर का हम डिफाइन करते हैं एक तो उसका टाइप दूसरा ऑपरेशन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर तो दोनों को डिफाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में तो इसीलिए जो है जावा स्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दूसरा ये जैसे कि आपने पहले ही जान चुके हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती हैं तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तीसरा जो है ये इंटरप्रेटेड बेस्ड है जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरप्रेट बेस्ड क्या मतलब है कि इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेट interpret होती है लैंग्वेज और दूसरा पॉइंट जो है वो केस सेंसिटिव है तो ये केस सेंसिटिव जावा स्क्रिप्ट है कि आप कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर का अलग अलग से यहाँ पर मीनिंग होता है इवेंट हैंडलिंग है तो यहाँ पर इवेंट्स को हैंडल किया जाता है कि जैसे आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो ये भी एक इवेंट है उसका आप यहाँ से एक एक्शन करते हैं उसका एक रेस्पॉन्स आता है आप क्लिक करते हैं उसके रेस्पॉन्स में जो कोडिंग होती है जो वहां पर डिफाइन किया गया होता है अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले हो जाता है तो इवेंट ड्रिवन इवेंट हैंडलिंग प्रोग्राम है ये क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है जैसे कि आप जानते हैं कि क्लाइंट साइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास सर्वर साइड और क्लाइंट साइड लैंग्वेज हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है कंट्रोल स्टेटमेंट्स तो इसमें बहुत सारे हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगे जो कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स होंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स इसमें होंगे आप देखेंगे कि हम किस तरीक़े से लूप्स का इस्तेमाल करते हैं वैलिडेटिंग द यूज़र इनपुट तो जो भी यूज़र्स का इनपुट होता है जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म्स को जैसे आप फिलअप करते हैं आप कोई किसी भी बॉक्स में आपने कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी तो उसकी वैलिडेशन होती है तो इसी तरीके से वैलिडेटिंग यूज़र इनपुट है इसका फीचर है जावा स्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन तो इसमें बहुत सारे फंक्शन है जो बिल्ट इन है तो जावा स्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड इन विच द डाटा टाइप एंड ऑपरेशन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर डिफाइंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है इसमें पहले आपको बोल चुका हूँ इन विच द डाटा टाइप जो डाटा का कौन सा टाइप है और ऑपरेशन यानी फंक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर जो है वो पहले से डिफाइन किया गया होता है इट गिव्स अ यूज़र मोर कंट्रोल ओवर द ब्राउजर तो इसका फीचर है जावा स्क्रिप्ट का कि ये यूज़र को कंट्रोल देती है ब्राउज़र के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम फीचर्स को इस्तेमाल करके हम ब्राउजर को ब्राउजर के थ्रू जावा स्क्रिप्टिंग कोड को हम एक्सेस कर सकते हैं इट हैंडल्स द डेट एंड टाइम टाइम और डेट को भी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल किया जा सकता है इट डिटेक्ट द यूज़र्स ब्राउज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये डिटेक्ट कर लेती है यूज़र का जो ब्राउजर है वो कौन सा वाला है आप कौन सा वाला ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ लाइट वेटेड तो ज़्यादा भी मेमोरी इसमें ऑक्यूपाई नहीं होती है इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड एंड इट इज़ नॉट जावा तो ये कन्फ्यूजन जो है कि जावा और जावा स्क्रिप्ट एक ही है नहीं ऐसा नहीं है बल्कि जावा स्क्रिप्ट एक अलग से एक लैंग्वेज है और जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट इज़ इंटरप्रेटेड बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो जैसे कि आप पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरप्रेटेड है इसमें कि हमारे पास जो इंटरप्रेट uh, होती है इस लैंग्वेज को कि हम पहले ही इसको मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि हमारे पास कंपाइलर आता है इंटरप्रेटर आता है इंटरप्रेटर का क्या काम है कंपाइलर का क्या काम है तो ये इंटरप्रेटेड बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इट इज़ अ केस सेंसिटिव तो यहाँ पर मैं पहले ही भी डिफाइन कर चुका हूँ कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इट इज़ अ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज एज इट प्रोवाइज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स तो इसमें जो हम ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है ये हमें प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का हम इसमें, इसमें इस्तेमाल करते हैं एवरी स्टेटमेंट इन जावासक्रिप्ट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद सेमिकोलन तो जो भी स्टेटमेंट हम जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए सेमी से तो हम सेमी एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट डालते हैं मोस्ट ऑफ द जावा सक्रप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट सिंटेस इन इज सेम एट दिनटेस ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज तो जावा सिक्रप्ट की जो आ, जो लैंग्वेज जो है इसमें जो सेंटेक्सेस हैं वो वैसे ही कंट्रोल होते हैं जैसे कि सी लैंग्वेज में होते हैं तो जिस तरीके से सिंटेक्सेज का कंट्रोल हमारे सी लैंग्वेज में होता है इसी तरीके से वही तरीका जो है हम जावा सिक्रप्ट में भी इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल द स्टेटमेंट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जावा स्क्रप्ट इज़ इज़ द एबिलिटी टू करिएट न्यू फंक्शंस विद इन द सक्रिप्ट तो हम नए नए फंक्शंस को हम बना सकें फंक्शन क्या है फंक्शन ए स्मॉल प्रोग्राम है जैसे कि आप एक फंक्शन बनाएंगे आप दो नंबर्स को एड करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे कि आप दो नंबर्स इनपुट इनपुट आप दो नंबर्स देंगे उनका एडिशन हो जाना चाहिए एक फंक्शन बन जाएगी तो एक प्रोग्राम बन जाएगा तो वो फंक्शन क्या है एक स्मॉल प्रोग्राम होता है तो जावा स्क्रिप्ट में हम इसकी एक एबिलिटी है कि हम इसमें नए नए फंक्शंस बना सकते हैं तो ये फीचर्स थे जावा स्क्रिप्ट के बारे में दूसरा चीज़ जो हमें जानना है वट इज़ द वेब सर्वर एंड हाउ इट वर्कस चूँकि जावा स्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड है हम यहाँ से वेब पेज को क्रिएट करते हैं इसके थ्रू तो वेब पेज जो है, जब इस हम अपने साइड में यानी क्लाइंट साइड से हम बनाते हैं और उस आपको पता ही है जैसे हम रेस्प रिक्वेस्ट करते हैं और वेब सर सर्व, सर्वर जो है वो हमें रेस्पॉन्ड करता है तो वेब सर्वर आर द कोर ऑफ एनी वेब होस्टिंग तो जो वेब होस्टिंग है यानी सर्व हमें करता है ये सर्विस हमें देता है तो जो भी हमारे सर्वर्स हैं वो एज अ सर्वर हैं तो हमें हम जब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को लिखते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर डायग्राम में यूर लोकल कंप्यूटर विद अ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है ब्राउजर कनेक्ट टू द सर्वर एंड रिक्वेस्ट अ पेज तो यहां पर क्या सर्वर कंप्यूटर विद अ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर सर्वर सेंड्स बैक द रिक्वेस्ट पेज तो जब आपने वेब जवाब स्क्रिप्ट को यूज़ करके आपने कोई वेब पेज बनाया तो उसके थ्रू जो आपने रिक्वेस्ट की ठीक है जो प्राउज़र आपका जो आगे आपके ऑन आपके आपके लिए रिक्वेस्ट करता है सर्वर को तो सर्वर जो है वो सेंड करता है बैक उस रेस्पॉन्स करता है उस रिक्वेस्ट के बारे में तो वेब सर्वर इज़ अ प्रोग्राम दैट यूज द एस टी टी पी टू सर्व फाइल्स दैट क्रिएट अ वेब पेज टू यूजर इन रेस्पॉन्स टू दियर रिक्वेस्ट विच इज़ सेंट बाई दियर कंप्यूटर एस टी टी पी कोनेक्शन तो वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जो यूज़ करता है हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी प्रोटोकॉल जो प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं तो उनमें से एक रूल जो है कि हाइपर टेक्स को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा तो प्रोग्राम दैट यूज एस टी टी पी सर्व सर्व द फाइल्स तो वेब सर्वर जो एस टी टी पी का इस्तेमाल करता है वो सर्व करता है फाइल्स यानी रेस्पॉन्स करता है दैट क्रिएट्स अ वेब पेज वो फाइल्स जो वेब पेज ने क्रिएट किए होते हैं। और वेब पेज के थ्रू हम कौन सी फाइल्स को क्रिएट करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम क्लाइंट साइड में वेब पेज का इस्तेमाल कर वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं बाई यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट तो फिर उसके जब हम उसके थ्रू जब हमने वेब पेज बनाया तो वे, उन वेब पेज को हम ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं तो वेब पेज में जो हमने इनपुट दिया तो उस इनपुट को वो एज अ फिर जब हम सबमिट करते हैं वो एज अ फिर रिक्वेस्ट जाता है उसके उस रिक्वेस्ट की बिना पे तो हमारा जो सर्वर uh, है वो रेस्पॉन्स करता है विच इज़ सेंट बाई देयर कंप्यूटर एच टी टी पी कोनेक्शन तो हमारे पास एच टी टी हाइपर टेक्सट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल होता है जिसके थ्रू हम कनेक्ट होते हैं वेब सर्वर के साथ तो सर्वर जो है वो रेस्पॉन्स करता है हमारी उस रिक्वेस्ट को जो हमारे लोकल uh, कंप्यूटर से गई होती है दूसरी चीज जो हमने इसमें जाननी है क्रिएटिंग एंड इंपोर्टिंग द एक्सटर्नल जावा फाइल्स जैसे कि मैं आप पहले ही हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हमने एक सैंपल बनाया था जावा स्क्रिप्ट का ये देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको सैम्पल जावा सिक्रिप्ट प्रोग्राम दिखाया था कि हम किस तरीके से जावा सिक्रिप्ट को लिखते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट टैग है और उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज़ किया है फिर हेड टैग को क्लोज़ किया है उसके बाद हमने बॉडी टैग का इस्तेमाल किया और एस टी को क्लोज़ किया है तो इसी तरीके से ये हम इसमें स्क्रिप्ट हम इस तरीके से भी एस में जो है स्क्रिप्ट लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग ए स्क्रिप्ट टैग तो हम इसके अलावा हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सटर्नल फाइल जावा स्क्रिप्ट की और उसको यूज़ कर सकते हैं हम अपने एस टी एम एल कोड्स में तो राइटिंग ए जावा स्क्रिप्ट विद इन द एस टी एम एल कोड समटाइम्स क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड चेंजेस द एस टी एम एल फाइल्स मे ऑल्सो एफेक्ट द जावा फाइल्स तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जावा जो हमने लिखा है विद इन द एस टी एम एल इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि हमारा एस टी एम एल कोड क्या है जावा स्क्रिप्ट कोड क्या है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल एक अलग से ही बना लेते हैं सो बेटर टू सेग्रीगेट द एस टी एम एल एंड जावा स्क्रिप्ट फाइल सो दैट चेंज इन वन फाइल डज नाट इफ़ेक्ट द अदर फाइल तो हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं हम सेग्रीगेट करते हैं हम एस कोड्स को अलग से लिख लेते हैं और फिर जावा सिक्रप्ट फाइल अलग से बनाते हैं और ताकि जो चेंजेस हम अलग अलग एस टी फाइल में जो एस टी एम कोड्स उनमें जो चेंज लाए और जावा सक्रप्ट में जो चेंजस लाएँ वो आपस में इफ़ेक्ट ना करें एक्सटर्नल जावा फाइल शुड बी रिटन सेपरेटली एज फॉलोस तो हम जावा सक्रप्ट की फ़ाइल को किस तरीके से अलग से लिख सकते हैं और फिर उसको हम किस तरीके से इंपोर्ट अपने एस कोड में कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या लिखना है उसके लिए हम जो भी फाइल बनाएंगे उसके हमें टेक्स्ट एडिटर का ही इस्तेमाल करना है तो टेक्स्ट एडिटर जो है हम, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स आते हैं हमने उस हमने जो कोड लिखा जावा स्क्रिप्ट का उसमें उसको हमें सेव करना है जो भी आप फ़ाइल नेम दे जैसे मैं फॉर एग्जांपल माई जे तो मैंने ये फाइल नेम है माई जे तो डॉट जे लिखना है आप कोई भी फाइल लिख सकते फाइल वन फाइल टू माई जावा स्क्रिप्ट फाइल जो भी आप लिखना चाहते हैं फाइल का नेम नाम देना चाहते हैं तो आपको डॉट एक्सटेंशन क्या लिखना है जे JS आपको एक्सटेंशन देना है जावा सिक्रप्ट का तो जिस तरीके से आप एस टी एम एल को फाइस टी एम एल को आप सेव करते हैं जैसे आप नाम ने नाम दिया आपने ए बी सी डॉट एच टी एम एल इसी तरीके से जो जावा सिक्रप्ट की एक्सटर्नल फाइल होगी अलग से आपने फाइल बनाई होगी टेक्स्ट एडिटर में बनाई होगी तो आप उसमें लिख सकते हैं जैसे आप फ़ाइल का नाम दे रहे हैं एक्स वाई जड डॉट जे एस तो फिर उसमें आप क्या बनाना चाहते हैं उसमें आप क्या कोडिंग करना चाहते हैं जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक फंक्शन बनाया है तो मैंने लिखा फंक्शन पॉपअप ये फंक्शन का नाम है पॉपअप और उसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखा अलर्ट हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड जो स्टेटमेंट आ गया ये ये जो मैंने लिखा ये एक मैंने फंक्शन बनाई इस फंक्शन के थ्रू क्या हो सकता है कि एक स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो सकता है ये मैंने एक अलग से एक जावा सिक्रप्ट फाइल जो मैं बनाऊँगा उसमें मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से तो वो रहेगी वो सेव रहेगी एज डॉट फाइल तो उस फाइल को हम किस तरीके से अपने एस टी एम एल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टू इम्पोर्ट द फाइल यू यू यूड यू वुड डू द फॉलोइंग इन यूर एस टी एम एल डॉक्यूमेंट तो आपको क्या करना है तो जावा सिक्रिप्ट कोड को कि हम किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको पता ही जैसे हम एस टी एम एल के एस टी एम एल कोडिंग हम कर चुके हैं हम किस तरीके से एस टी एम एल को लिखते हैं तो देखिए हम क्या लिखेंगे एस टी एम एल फिर हेड लिखते हैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं तो हमें सोर्स लिखना है कि हमारे स्क्रिप्ट जावा सक्रिप्ट का जो सोर्स है वो क्या है तो वो सोर्स आपको वो यहाँ पर लिखना है कि जैसे आपने पहले क्रिएट किया होगा एक्सवाइज डॉट जे एस जैसे मैंने कोई फ़ाइल बनाई है माइन जे एस इसको डॉट जे एस तो इस तरीके से पता चल जाएगा जो एक्सटर्नल फाइल वहाँ पर अवेलेबल है उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे विद एक्सटेंशन तो यहाँ पर जो जितना भी इस फाइल में लिखा माई जे एस डॉट जे एस में जितना भी होगा वो सारा इम्प्लीमेंट हमारे इस एस टी एम एल में हो जाएगा तो फिर जाके यहाँ पर हेड है फिर बॉडी है फिर हमने यहाँ पर एक फॉर्म का एक एक फॉर्म जैसे हम बनाते हैं उसमें हमने एक बटन बनाया है हम उसके लिए किस तरीके का इनपुट हम टैग लगाते हैं उसमें टाइप है इसका एट्रीब्यूट है इज इक्वल टू बटन फिर मैंने एक फ़ंक्शन लिया ऑन क्लिक यानी बटन पे जब क्लिक किया जाएगा तो क्या हो जाना चाहिए पॉप अप फंक्शन रन होना चाहिए तो जैसे मैंने जवाब सिक्रिप्ट में एक्सटर्नल फाइल में एक फ़ंक्शन बनाई थी उससे क्या हो जाना चाहिए उससे वो वाला फंक्शन जो है पॉपअप वाला फंक्शन वो रन होना चाहिए तो जब मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो पॉपअप वाला फंक्शन जो है क्लिक हो जाएगा और मैंने और एक एट्रीब्यूट लगाया वैल्यू यानी उस बटन के ऊपर जो नाम आएगा वो क्लिक में आ जाएगा तो ये मैंने दिखाया कि किस तरीके से हम जावा uh, का एक अलग से एक्सटर्नल फाइल किस तरीके से बना सकते हैं और हम उसको किस तरीके से अपने एस टी एम एल कोड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर जो एक्सटर्नल फ़ाइल में जो कोडिंग की गई है उसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो व्यूवर आज के लिए ये था कि आपने जाने कि हमारे पास आ, हमारे जावा जो है उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं और वेब सर्वर के बारे में थोड़ा बहुत आपने जाना उसका एक आ, थोड़ा बहुत आपने ब्रीफ लिया और इसी तरीके से हम किस तरीके से जावा सिक्रिप्ट के एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं और किस तरीके से आप उसे इंपोर्ट अपने एक्सटी कोड में कर सकते हैं तो वीवर्स हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्स थैंक यू वीवर्स